हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय प्रोग्रामिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम सुभाषिस। आज हम बात करेंगे इनहेरिटेंस। ओके, जावा प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस क्या होता है एंड इसको इनहेरिटेंस को हम कैसे यूज करेंगे हमारा प्रोग्राम और कोड से। ओके, एंड इसका एडवांटेज क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, ओके, कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो सुबह डिस्कशन करेंगे। ओके, इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस इज नथिंग, इट इज ओनली पेरेंट एंड चाइल्ड कंसेप्ट। मीन्स पेरेंट के पास जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है वो सब प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर को चाइल्ड एक्सेप्ट करेगा, मीन चाइल्ड के पास होना चाहिए। ओके, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। देखो इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, द वे ऑफ डिराइविंग प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास इज नोन एज इनहेरिटेंस। ओके, ये जो वन क्लास है मीन्स पेरेंट क्लास में जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स है उसको चाइल्ड क्लास एक्सेप्ट करेगा। ओके, मीन्स चाइल्ड क्लास के पास वो सब सेम प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर होना चाहिए। इसको बोलते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड कंसेप्ट, मीन्स इनहेरिटेंस। ओके, देखो ये एक एग्जांपल है। देखो आपके पास सपोज दो क्लास है, क्लास ए एंड क्लास बी। देन क्लास ए के पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ओके, देन क्लास बी के पास ऑल्सो कुछ प्रॉपर्टीज है। ओके, उसका पर्सनल प्रॉपर्टीज और पर्सनल फीचर्स है। देन क्लास बी क्या करेगा, क्लास ए का जो भी फीचर्स है, जो भी प्रॉपर्टीज, उसको एक्सेप्ट करेगा, मीन्स उसको एक्सेस करेगा क्लास बी में। मीन्स क्लास ए के पास सपोज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का फीचर्स है एंड क्लास बी के पास सपोज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन और रिमाइंडर का फीचर्स है। देन क्लास ए का फीचर्स क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। देन वो दो फीचर्स को क्लास बी एक्सेप्ट करेगा, मीन्स एक्सेस करेगा। ओके, सो क्लास ए पेरेंट क्लास, देन क्लास बी इज कॉल्ड एज चाइल्ड क्लास और सब क्लास और डिराइव्ड क्लास। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। देखो इन जावा एक्सटेंड क्यू आर इज यूज टू परफॉर्म इनहेरिटेंस। मीन्स आप जब भी पेरेंट क्लास के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है उसको आप चाइल्ड क्लास के अंदर रखना चाहते हो, देन आपको क्या करना है, एक्सटेंड क्यू आर यूज करना है। ओके, देन सेकेंड पॉइंट, इट इम्प्लीमेंट्स री यूजबिलिटी ऑफ कोड। ओके, मीन्स री यूजबिलिटी ऑफ कोड मीन्स देखो पेरेंट क्लास के पास क्या है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, वो दो फीचर्स है। ओके, एंड क्लास बी के पास वो दो फीचर्स नहीं है, वो क्या करेगा, वो दो फीचर्स को एक्सेस करेगा क्लास ए से। सो क्या होगा, देखो क्लास बी ये जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को सब्ट्रैक्शन का कोड लिखना नहीं पड़ेगा क्योंकि क्लास ए के पास है। सो वो दो फीचर्स को वो एक्सेस कर लेगा। सो जो भी दो फीचर्स का कोड है वो ओनली क्लास ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। ओके, एंड बी क्या करेगा, ए के पास जो भी है इसको एक्सेस करेगा। सो अगेन कोड लिखने के लिए जरूरत नहीं है, वो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन इसका कोड अगेन नहीं लिखने। ओके, गॉट माय पॉइंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ री यूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके, देन इट यूजेस बॉटम अप अप्रोच। ओके, ये जो भी इनहेरिटेंस है वो यूज करेगा बॉटम अप अप्रोच टू इम्प्लीमेंट द टैक्स। ओके, देन वी कैन नॉट एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास थ्रू इनहेरिटेंस। देखो इसका मतलब क्या है, सपोज पेरेंट क्लास के अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर्स हैं, ओके, देन चाइल्ड क्लास उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, क्योंकि वो सब प्राइवेट है किसके अंदर, क्लास ए के अंदर। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, वी शुड क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। देखो सब क्लास मीन्स चाइल्ड क्लास। ओके, देखो आपका ऑल फीचर्स मीन्स पेरेंट क्लास का ऑल फीचर्स चाइल्ड क्लास के अंदर है। सो हम क्यों पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, आपका चाइल्ड क्लास के अंदर सब कुछ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है, ऑल्सो क्लास बी का प्रॉपर्टीज एंड ए का प्रॉपर्टीज, दैट्स वाई वी क्रिएट ऑब्जेक्ट फॉर सब क्लास ओनली। ओके, अब हम देखेंगे इसका सिंटैक्स क्या है, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स। ओके, देखो क्लास ए एंड क्लास बी दो क्लास है, क्लास ए के अंदर दो प्रॉपर्टीज है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टीज एंड क्लास बी के अंदर थ्री प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड रिमाइंडर का प्रॉपर्टीज। ओके, हमको क्या करना है, ये जो दो प्रॉपर्टीज है वो दो प्रॉपर्टीज क्लास बी के अंदर लिखना है। ओके, देन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। ओके, देन बट विदाउट कोड में हम इसको, ये जो प्रॉपर्टीज है इसको एक्सेस करेंगे क्लास बी के अंदर। देखो कैसे करेंगे, ये जो लिखा है क्लास बी एक्सटेंड्स ए, मतलब क्या है, क्लास ए के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है वो सब प्रॉपर्टीज क्लास बी एक्सटेंड करेगा, मीन्स एक्सेस करेगा। ओके, देन क्या होगा,
हमको कोड लिखने के लिए नहीं पड़ेगा। ओके क्लास बी के अंदर तो हमारा जो एक कोड है इसको हम रीयूज करेंगे क्लास बी में। ओके मीन्स रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। ओके आपको समझ में आ गया होगा रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड का मतलब क्या है। कुछ नहीं, ये जो भी कोड आप ये जो भी कोड है इसको दोबारा यूज करेंगे। ओके दोबारा यूज करेंगे कैसे, ये जो इनहेरिटेंस में क्लास बी एक्सटेंड से मतलब ए का जो भी प्रॉपर्टीज है वो बी एक्सेस करेगा। सो क्लास ए पेरेंट क्लास एंड बी चाइल्ड क्लास। ओके देन अब हम टाइप्स पढ़ेंगे। देखो ये कुछ फोर टाइप्स है। ओके ये जो फोर टाइप्स है मैं डिटेल्स में बात नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका सिंपल पार्ट आपको बता दूंगा। देन इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो आएगा। ओके ये जो सिंपल इनहेरिटेंस एंड विथ प्रोग्राम प्रोग्राम एंड एग्जाम्पल। ओके देखो फर्स्ट सिंपल एंड सिंगल इनहेरिटेंस। देखो इसका मतलब ये जो भी है इसका सिंटैक्स ये है। देखो ये जो सिंटैक्स है ये सिंटैक्स सिंपल एंड सिंगल इनहेरिटेंस का। ओके ये क्या होता है, दो क्लास है क्लास ए एंड क्लास बी। क्लास ए आपका पेरेंट क्लास है एंड क्लास बी आपका चाइल्ड क्लास है। देन क्या होगा, पेरेंट क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर है वो सब क्लास बी के अंदर एक्सेस होगा, बस सिंपल। ओके देन गो टू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। देखो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, थ्री क्लास। ओके क्लास ए बी सी, देन आपका जो क्लास ए है उसको बोलते हैं ग्रैंड पेरेंट क्लास, देन क्लास बी आपका पेरेंट क्लास, देन चाइल्ड क्लास। ओके ये जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इसका कंसेप्ट क्या है, देखो क्लास ए के पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज क्लास बी एक्सेस करेगा, मीन्स पेरेंट क्लास एक्सेस करेगा ग्रैंड पेरेंट का प्रॉपर्टीज। ओके देन क्लास सी क्या करेगा, क्लास सी एक्सेस करेगा बी एंड ऑल्सो ए। ओके मीन्स क्लास सी जो है चाइल्ड क्लास वो पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज एंड ऑल्सो ग्रैंड पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज एक्सेस करेंगे। ओके देन इट इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके देन गो टू हायरार्किकल इनहेरिटेंस। देखो हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक पेरेंट क्लास है एंड दो चाइल्ड क्लास है। ओके फर्स्ट लिसन, तीनों क्लास है क्लास ए क्लास बी क्लास सी एंड सबका प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट है। क्लास ए का प्रॉपर्टी सपोज डिफरेंट, क्लास बी का क्लास सी का प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। देन क्लास बी क्या करेगा, इसका प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एंड वो क्लास ए का प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा क्योंकि ये इसका पेरेंट है, सो क्लास बी क्लास ए का प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा। ओके देन क्लास सी और एक डिफरेंट चाइल्ड क्लास है। ओके उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। ओके वो क्या करेगा, क्लास ए इसका पेरेंट है इसलिए क्लास ए का जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब प्रॉपर्टीज क्लास सी एक्सेस करेगा। ओके देन सपोज क्लास ए का और एक चाइल्ड है सपोज क्लास डी, देन क्लास डी क्या करेगा, क्लास डी ओनली क्लास ए का प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा। ओके ओनली चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा उसका पेरेंट क्लास का प्रॉपर्टीज। ओके इट इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस, गॉट माय पॉइंट। देन गो टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। इसमें क्या होता है, देखो दो पेरेंट क्लास है एंड एक चाइल्ड क्लास है। देन चाइल्ड क्लास क्या करेगा, चाइल्ड क्लास सॉरी जो पेरेंट क्लास के पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो सब चाइल्ड क्लास एक्सेस करेगा। सपोज क्लास ए जो भी पेरेंट क्लास है उसके पास जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेम प्रॉपर्टीज सपोज क्लास बी पेरेंट क्लास के अंदर है, मतलब क्लास ए एंड क्लास बी कंटेन सेम प्रॉपर्टीज। ओके देन क्लास सी चाइल्ड क्लास है, इसका काम क्या है, ये जो भी पेरेंट है उसका प्रॉपर्टीज एक्सेस करेगा। सो सपोज क्लास ए का प्रॉपर्टीज क्लास सी एक्सेस करेगा एंड बी का प्रॉपर्टीज ऑल्सो एक्सेस करेगा, सो सी कंफ्यूज हो जाएगा। ओके कैसे कंफ्यूज, कि दो सेम प्रॉपर्टीज है सो सेम प्रॉपर्टीज आएगा, मतलब वन प्रॉपर्टीज आएगा बट टू पेरेंट क्लास है, सो वो कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा पेरेंट क्लास मुझे उसका प्रॉपर्टीज दे रहा है। ओके गॉट माय पॉइंट। ओके आपको समझ में आएगा, क्लास सी क्या करेगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो सेम प्रॉपर्टीज है दो क्लास में, क्लास के अंदर सेम प्रॉपर्टीज है, सो क्लास सी कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा पेरेंट मुझे प्रॉपर्टीज दे रहा है, सो क्लास सी कंफ्यूज हो जाएगा। सो इसलिए जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज नहीं होता है, ओके सपोर्ट नहीं करता है जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस। देन एक इंटरफेस थ्रू में जावा सपोर्ट करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को, तो मैं इंटरफेस का जो वीडियो आएगा आप उसको देख लेना। ओके आई थिंक दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल एंड नॉलेजबल फॉर यू।